नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर। पूरे देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में इस वायरस से लड़ने के लिए बूस्टर डोज की बात कही गई है, जिसमें यह कहा गया कि बूस्टर डोज लगाने से लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं हो सकते। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मत बदल गया है। उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज इसका समाधान नहीं है। प्रतिष्ठित नेचर पत्रिका में प्रकाशित लेख में वैक्सीन विशेषज्ञों ने कहा कि अब इसे बूस्टर पर काम करने के बजाय ऐसे टीके तैयार करने की दिशा में लगाने चाहिए जो कि कोरोना के नए स्वरूपों को ज़्यादा ताकत से लड़ सके। गौरतलब है कि अभी कई देशों में कोरोना रोधी टीके की चौथी डोज बतौर बूस्टर दी जा रही है। इधर ओमिक्रॉन को लेकर मैसाचुसेट्स स्थित रैगन इंस्टीट्यूट के एक प्रतिरक्षा विशेषज्ञ एलेजांद्रो बालाज ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बूस्टर को लेकर अब सोच बदल दी है। पहले संक्रमण की चपेट में आए किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा की टीका लगवा चुके व्यक्ति को बराबर समझा जाता था, लेकिन बाद में ओमिक्रॉन जैसे बेहद संक्रामक वेरिएंट के आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया कि पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति के शरीर में इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि वह आगे भी संक्रमण से मजबूती से लड़ सकता है। इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही ओमिक्रॉन का प्रसार हुआ, वैक्सीन ले चुके लोगों के इम्यूनिटी स्तर को बढ़ाने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल शुरू हो गया। इस तरह संक्रमण के मामले को घटाने और अस्पतालों पर बोझ कम करने का प्रयास किया गया, जो कि एक हद तक सफल भी रहा। मगर बूस्टर डोज के एक साथ एक बड़ी चिंता यह है कि यह संक्रमण को बहुत लंबे वक्त तक नहीं रोक सकती। ब्रिटेन में साल 2021 के अंत तक एकत्र किए गए रियल वर्ल्ड डाटा से पता चलता है कि बूस्टर से मिलने वाली प्रतिरक्षा क्षमता के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तेजी से घट रही है। यह एक अन्य प्री प्रिंट अध्ययन से पता चला है। तीसरी बूस्टर डोज से मिलने वाली प्रतिरक्षा कुछ महीने के भीतर ही उसी तरह घट जाती है जैसे पहले दो डोज से विकसित हुई प्रतिरक्षा। इस अध्ययन का कहना है कि यह प्रतिरक्षा अधिकतम 4 महीने ही चलेगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय की संक्रमण प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माइकल डेवनपोर्ट का कहना है कि मौजूदा टीका की बार बार बूस्टर खुराक देने से भविष्य में पैदा होने वाले कोरोना के स्वरूपों के खिलाफ प्रतिरक्षा कम मिलेगी। यह रणनीति लंबी अवधि में कारगर नहीं है। बीते 11 जनवरी को WHO ने भी बूस्टर्स को लेकर दुनिया को चेताया था। WHO ने कहा है कि मूल वैक्सीन संरचना की बार बार बूस्टर खुराक लगाने की रणनीति एक उचित या टिकाऊ नहीं है। तो ऐसे में एक तरह से देख लें कि पूरे विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उनका अब मत एक मत होता हुआ दिख रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बूस्टर डोज जो लगाया जा रहा है वह ओमिक्रॉन पे बहुत ही प्रभावी नहीं है। ऐसे में हमें एक ऐसे वैक्सीन की ज़रूरत है जो कि कोरोना नामक वायरस जो है उससे हमें संक्रमण होने से बचा सके, हम जो है उससे सीधे तौर पर लड़ सके, हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वह कोरोना वायरस से लड़ सके। ऐसे में बूस्टर डोज जो है वह कारगर दवा के रूप में नहीं देखी जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।